सोल विल नेवर शिफ्ट आउटसाइड इंडिया. तो गाइज इसमें मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग, आई कुड बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ मैं सीखना चाहूँगा लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है, आई वुड वॉन्ट टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स. बट मेरा, मैं बहुत लंबा सोचा तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि यू नो, अगर मेरे यहाँ के चार प्लेयर को मैं आउट ऑफ इंडिया ले जाता हूँ तो आई डोंट नो कि आगे कैसे वो सिस्टम चलेगा, क्योंकि अगर इंडिया में गेम नहीं आया और वो प्लेयर्स आगे जाके खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, तो इससे एक चीज़ होगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं इंडिया से नया टैलेंट ही ला पाऊंगा, बिकॉज इंडिया में वो गेम ही नहीं रहेगा, फर्स्ट थिंग. तो फिर मतलब या तो मैं माइंड में ये सोच रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इन चार प्लेयर्स को ही, वो भी कुछ टाइम तक जब तक इन लोग खेलते हैं, मतलब आपका 5 महीने 6 महीने 8 महीने जब तक इनका फॉर्म चलता है, तो अगर वहाँ जाके इन लोग नहीं खेल पाए और फिर मुझे रिप्लेस करना पड़ा, तो फर्स्ट थिंग मैं रिप्लेस कहाँ से करूँगा? रिप्लेस करने के लिए मे बी, उसका रिप्लेसमेंट के लिए आई कैन गेट प्लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड. तब फिर एक चीज़ ये होता है कि क्या वो इंडिया की टीम रहे या वी बिकम एन इंटरनेशनल टीम. सो अगर इंटरनेशनल टीम की बात है तो आई थिंक आई वुड रेदर, विच आई वोंट डू राइट नाउ, कोई ऐसा प्लान नहीं है, आई वुड रेदर गो हैड एंड टेक अ इंटरनेशनल रोस्टर. हाउ एवर आई एम वेरी 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 हैप्पी डैट जो बाकी टीम्स कर रहे हैं, मतलब दे हैव द गट्स द कैपेसिटी एंड द रिसोर्स एंड द ट्रस्ट इन देयर प्लेयर्स, कि उन लोग जो बाहर जाने की, जो भी जिन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि अगर गेम नहीं आया तो उन लोग जाएंगे, आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटेबुलस जॉब, मतलब पूरा सपोर्ट रहेगा. दूसरी बात, डिनर विद गॉड लाइक, हाँ मैंने देखा, अगर मतलब ऑब्वियसली भाई ये बाजू में है, जाएंगे हम लोग, आएंगे उन लोग, हम लोग डिनर विनर जरूर कभी करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं है, अभी सबके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल है तो वो सब भी होगा. अरे डिनर विद गॉड यार, हम लोग डिनर विद खंबा करेंगे यार, क्या बात करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना.